जी, तो जहां से छोड़ा था वहां से अब हम शुरू करेंगे। और दोबारा ये सबको सलाम और बहुत बहुत वेलकम। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी तो फौरन पिछली वीडियो जाएं और फिर हमारे साथ जुड़ें, ताकि इस वीडियो के अंदर आप वो तमाम चीजें देख सकें जो हम पीछे वाली वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर, यहीं से हमने छोड़ा था, तो यहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फाइल टैब को डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत डिटेल से आपको पीछे एमएस वर्ड में बताया था कि होम टैब के अंदर क्या होता है, न्यू के अंदर क्या होता है, ओपन के अंदर क्या होता है। सरसरी से देख लेते हैं, ज्यादा आज नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास फाइल टैब है, ठीक है। और फाइल टैब में ये आपके पास न्यू, रिसेंट, पिंड और शेयर विद मी, ये चार ऑप्शन है। न्यू पे जाते हैं तो ये आपके पास टेम्पलेट, यहाँ से नीचे टेम्पलेट कह रहा है कि यहाँ से कोई टेम्पलेट ले लो या ये न्यू बना लो सादा सी खाली से। ओपन से क्या होगा, आपकी ऑलरेडी जो है वो आपकी स्लाइड्स आ जाएंगी, ठीक है। जो आपकी ऑलरेडी स्लाइड्स कह रहा हूँ, जो आपकी एक्सेल की फाइल्स हैं वो ऑलरेडी जो बनी हुई है वो ओपन हो जाएंगी। इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, जिसमें आप प्रोटेक्ट वर्कबुक में, अच्छा ये याद रखिएगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक से आप अपनी पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं एक्सेल फाइल पे। इंस्पेक्ट अप वर्कबुक पे अपनी जो काम किए हैं आपने उसके ऊपर वो देख सकते हैं कि कौन कौन से आपने काम किए हैं इसके ऊपर, किस किस ऑदर ने काम किए हैं, कहाँ पे कोई खराबी तो नहीं है वगैरह वगैरह। तो इंस्पेक्शन वगैरह ये सारे ऑप्शन जो आपने बस ये में याद रखने हैं कि मैनेज वर्कबुक, वर्जन हिस्ट्री, इंस्पेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट वर्कबुक, और ये इंफॉर्मेशन जितनी भी है ये कहाँ पे है, इन्फो वाले बटन। सेव आपको पता है सेव सेव होता है, उसके बाद सेव एज से क्या होता है, नए नाम से किसी और जगह पे आपने सेव करना है। प्रिंट से प्रिंट होता है, प्रिंट के ऑप्शन हमने सारे देख लिए हुए हैं, इसके कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। प्रिंट के ऑप्शन तकरीबन सारे सेम ही है। इसके बाद शेयर है, शेयर से एक चीज इसमें है, स्केलिंग में आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं एक ही कॉलम में जो है वो सारी शीट्स डालना, तो उसके लिए ये फिट ऑल रोज एंड कॉलम इन वन शीट, ठीक है, फिट शीट ऑन वन पेज। अगर आप सारे कॉलम डालना चाहते हैं तो फिट ऑल कॉलम, तो ये याद रखिएगा स्केलिंग के अंदर ये चार ऑप्शंस हैं। इसके अलावा मार्जिन में आपको बताया था कि नॉर्मल होता है, वाइड होता है, नैरो होता है, ये ऑलरेडी होते हैं। पेजेस आपको बता चुका हूँ, लेटर, टेबलॉइड, लीगल, एग्जीक्यूटिव, ये पेजेस हैं। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है, और कुलेट और जो है अनकुलेटेड का मैं भी बता चुका हूँ। कुलेट ये होगा कि पहला सफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अनकुलेटेड में होगा पहला सफा, पहला सफा, पहला सफा, फिर दूसरा सफा, दूसरा सफा, दूसरा सफा, ये इस तरह। तो कुलेटेड, अनकुलेटेड, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज मार्जिन और पेज स्केलिंग, ये पांच ऑप्शन इसके अंदर हैं, ये देख लीजिएगा। शेयर में आप अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं कि ये आपसे डायरेक्ट ईमेल वगैरह पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट से आप जो है वो उसको पीडीएफ शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, और पब्लिश में आप इसको किसी जगह पे पब्लिश कर सकते हैं, अपनी किसी वेबसाइट वगैरह पे वगैरह वगैरह, और क्लोज से ये खत्म हो जाएगी। बाकी अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन, ये भी अलग ऑप्शन। तो फाइल में क्या क्या चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और फर्दर फाइल में आगे कौन कौन से ऑप्शन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन एक पूछा था कि जी टेम्पलेट कहाँ पे होते हैं, तो वो न्यू में होते हैं। पुरानी फाइल ओपन करनी है तो कहाँ से करोगे, ओपन से जाके करोगे। आपको एक्सेल की इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, इन्फो पे मिलेगी। नए नाम से सेव करना है तो क्या कौन सा ऑप्शन है, सेव एज। प्रिंट में कौन कौन से ऑप्शन हैं और किस उसके आगे फर्दर कौन कौन से ऑप्शन है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जी। पीडीएफ में कहाँ से बनाओगे, तो एक्सपोर्ट से पीडीएफ में कन्वर्ट होता है, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे एक्सपोर्ट जो है वो आप कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो वो एक्सपोर्ट का है, या एक्सपोर्ट एक्सेल को की फाइल को आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो एक्सपोर्ट के जरिए कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, बहरहाल ये याद। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है कौन सा टैब, होम टैब। अच्छा मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, तो कट हम पिछले में पढ़ चुके हैं, एमएस वर्ड में सेम वही है, कॉपी भी सेम वही है जो एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट पेंटर भी यही होता है कि किसी के पास किसी सेल का आपने रंग शंग तब्दील किया हुआ तो वो रंग उसमें कॉपी हो जाएगा। पेस्ट यही कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह चीज उठाने के लिए। और क्लिप बोर्ड आपको बताया था, ढेर सारी चीजें आपने प्लस कॉपी की हुई है तो उसको बारी बारी पेस्ट करने के लिए क्लिप बोर्ड इस्तेमाल होता है। फॉन्ट आपको बताया था कि जो स्टाइल होता है उसको बोलते हैं फॉन्ट साइज, उसका साइज होता है, यहाँ से साइज इंक्रीज होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी सारा कुछ कर सकते हैं। ये बॉर्डर है, ये हाइलाइटर है और ये फॉन्ट कलर है। अब याद क्या रखना है आपने, याद ये रखना है कि होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड का जो ग्रुप है उसके अंदर ये ऑप्शन है, फॉन्ट का जो ग्रुप है उसके अंदर ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये सारे मैंने नाम लिख दिए, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हमारे पास अगला ग्रुप आता है अलाइनमेंट ग्रुप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उधर हमारे पास एमएस वर्ल्ड में जो था वो पैराग्राफ ग्रुप था, इसमें अलाइनमेंट ग्रुप है। तो इसमें
छह अलाइनमेंट्स हैं, उसमें तीन थी सिर्फ, ठीक है, चार थी बढ़ के। तो ये मैं इसको अगर थोड़ा सा सेल्स को अगर मैं विड्थ बढ़ा दूं तो आप ये देखो आपको सही समझ आएगी। इसको सिर्फ देख लें, ये नेम है। अब मैंने इस पे किया है तो ये टॉप पे चला गया, इस पे किया है तो ये सेंटर में आ गया, इसको किया ये बॉटम पे आ गया, ये नजर आ रहा है। तो ये टॉप अलाइनमेंट, ये मिडिल अलाइनमेंट और ये बॉटम अलाइनमेंट। इसी तरह ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये इधर आप थोड़ा सा कर लेते हैं ना, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। तो ये छह अलाइनमेंट्स है। आप एमएस वर्ल्ड में देखोगे तो सिर्फ तीन थी, ठीक है। मैं इसको फिलहाल मिडल और सेंटर में कर दिया, देखिए मिडल भी हो गया सेंटर भी हो गया। अगर टॉप पे करना है तो टॉप ही और सेंटर ही, टॉप लेफ्ट पे करना है तो ये, यानी जो मर्जी आप करना चाहें। इससे बाद ये टेक्स्ट डायरेक्शन होती है, ये इसको वर्टिकल और रोटेट कर देता है, ये देखें, ठीक है, वर्टिकल करना है इसने या एंगल में डालना है, किस तरह से इसको करना है, ये सारा का सारा इसके अंदर है, ये टेक्स्ट डायरेक्शन में। ये टेक्स्ट डायरेक्शन ओरिएंटेशन, ये भी किस में है, अलाइनमेंट में, ये भी किस में है, अलाइनमेंट में, ठीक है। कौन सी, ओरिएंटेशन, और ये हमारे पास ये टॉप मिडल वगैरह जितने भी हमने पढ़े, ये आपको पता है इंडेंटिंग होती है, ये इंडेंट बढ़ाने के लिए, ये इंडेंट कम करने के लिए, ठीक है, ये भी इसमें है। ये डायरेक्शन को चेंज करने में, ये भी ऑप्शन किस में, अलाइनमेंट में। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है ये समझ लें जरा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये टेक्स्ट, ये अब टेक्स्ट नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे, टेक्स्ट रैप करोगे, तो ये उस साइज उतना ही रहने देगा, मगर उस साइज को क्या कर देगा, उसको अल्फाज को नीचे वाली लाइन में चला जाएगा ताकि नजर आ जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग, सही है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, अल्ताफ इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको टेक्स्ट रैपिंग पे ना करूं तो ये मुझे बॉय नजर नहीं आएगा, मुझे इसको लंबा करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये लंबा भी ना हो और इसके अंदर पूरा आ जाए साइज, तो इसके लिए ये टेक्स्ट रैपिंग इस्तेमाल होता है, यानी उधरी उसी कॉलम में वो साइज थोड़ा नीचे करके लाइन बना के पूरा कर देता है। मर्ज सेंटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सारी लाइन है, इसको मैंने मर्ज करना है, इसको इकट्ठा करना है, यानी एक ही चीज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यू एक ऊपर वाली लाइन है, इसको कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन है, इसको मैंने क्या करना है, इस सारे को मर्ज करना है। तो ये देखिए मर्ज, तो ये एक ही लाइन बन गई, पहले ये तीन चार सेल थे तो अब ये सारे सेल मर्ज हो गए, तो ये एक ही लाइन बन गया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग वगैरह कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह करके इसको मर्ज बोलते हैं। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे है, अलाइनमेंट में है, तो ये अलाइनमेंट आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नंबर्स में आए तो कौन कौन से नंबर हैं, मुख्तलिफ नंबर हैं, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक रोटेशन और टेक्स्ट। तो अब आपने कौन सा रखना है, तो इसमें से ये आपने का रखना होता है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो इसमें से कौन सा वाला किसके लिए इस्तेमाल होता है, करेंसी यूज कर रहे हैं तो आपने करेंसी रखना है, अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो आपने अकाउंटिंग वाला रखना है, शॉर्ट डेट यूज कर रहे हैं तो ये रखना है, लॉन्ग डेट रखना है तो ये रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे आपने ऑप्शन देख लेना है कि ये कौन सा फॉर्मेट रखना है, इसको फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज है, ये वही कॉमे वाला डिजाइन है, ये वो है डेसिमल बढ़ाने के लिए, डेसिमल, फॉर एग्जांपल इसके डेसिमल बढ़ाने हैं तो ये देखें ये बढ़ा देगा डेसिमल, ये देखें, और इधर कम करने हैं तो ये डेसिमल क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये डेसिमल्स के ऑप्शन है, ये कहाँ पे है, नंबर में, ठीक है। इसके बाद स्टाइल है, स्टाइल वाले में देख लें कौन कौन से ऑप्शन है, ये देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर हाईलाइट रूल्स हैं। मैं कहता हूँ कि जो लेस देन, ये अभी मेरे से पूछेगा लेस देन कितने है, इसको मैं कहता हूँ लेस देन 30 जो है उसको रेड कर दो, तो जितने रेड 30 से कम है उसको ये रेड कर देगा। तो ये इसके अंदर इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर, यानी कोई कंडीशन देंगे और उस लिहाज से वो उसको क्या कर देगा, कलरिंग कर देगा या उसके ऊपर बार्स लगा देगा। ये देखें बार्स भी लगा देता होता है, ये देखें बार्स लगा दी, ये आइकन लगा दिए, कौन से ज्यादा है कौन से कम है, ठीक है, इस तरह करके। तो ये मुख्तलिफ कंडीशन लगा के किसी चीज में रंग भरने को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, ये याद रहेगा, किसी भी चीज को कंडीशंस लगा के उसको फॉर्मेट करने को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल, तो ये उसको टेबल की शक्ल में ले आता है, ठीक है। ये देखें ये डार्क आ गया, ये कौन सा, फॉर एग्जांपल इसको नहीं करते, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो पूरे को सिलेक्ट करके ये इसको टेबल की शक्ल में ले आएगा, फॉर्मेट एज टेबल, ये देखें, सही है, ओके। तो ये इसको टेबल की शक्ल में ले आए, देखें, तो फिर इसको इस शक्ल में भी लेके आ सकते हैं, इसमें जिसमें भी आप टेबल में लेके आना चाहिए इसको टेबल में लेके आ गया। अच्छा जी, ये हो गया हमारा ये स्टाइल, अब वापस जाते हैं थोड़ा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेल स्टाइल्स, तो इसके अंदर स्टाइल आ जाते हैं वक्रे वक्रे किस्म के, ये देखें कुम थीम स्टाइल है, ये स्टाइल है, वो स्टाइल, हमें स्टाइल स्टाइल कोई नहीं चाहिए, हम सादा सा बस बना के देखते हैं। तो बस ये देखिएगा कि स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल है और सेल स्टाइल है, ये याद रखिएगा।
इंसर्ट के अंदर सेल्स के ऑप्शन में कौन सा है इंसर्ट, जिससे आप कोई सेल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, रोज इंसर्ट कर सकते हैं, या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, या पूरी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट से आप यही चार चीजें डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट के अंदर इसकी साइज वगैरह का ऑप्शन है, ये देखिए रो हाइट आउट ऑफ इट ये वगैरह वगैरह। तो आपने बस ये याद रखना है कि सेल के अंदर कौन सा है, इंसर्ट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है और फॉर्मेट का ऑप्शन है। एडिटिंग में आ जाए तो ऑटो सम का ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे, ये इसको क्लिक करके आपने ऑटो सम पे क्लिक करना है, तो ये खुद ही इस पूरी लाइन को क्या कर रहा है, जमा करके बता दिया उसने 401 है। इसके ऊपर क्लिक करके फिर ऑटो सम पे करेंगे तो ये एंटर करेंगे और ये आपको इस सारी जमा कर। तो एडिटिंग में ऑटो सम का ऑप्शन है, फिल का ऑप्शन है, फिल कौन सा करना है, फॉर एग्जाम्पल फिल डाउन करता हूँ, तो ये देखें जो ऊपर उसने हरकत की है वही चीजें सारी की सारी कर दी है। फॉर एग्जाम्पल फिल में मैं डाउन करता हूँ तो जो ऊपर उसने चीजें की हैं तो यहाँ तक, ये देखिए जो ऊपर उसने चीजें की हैं तो वो यहाँ पे सारी की सारी चीजें उसने कर दी है, यानी ऑटोमेटिकली जमा कर दिया सारियों को, तो इसको फिल कहते हैं। क्लियर से ये सारा क्लियर हो जाएगा जो भी आपने एडिटिंग फॉर्मेटिंग की है। फिल्टर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये दिखाएं मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ जो सबसे अच्छे नंबर मेरे किस बच्चे ने लिए, तो ये Z2 फिल्टर में करता हूँ और फिल्टर करके मैं इसको करता हूँ लार्ज से स्मॉलेस्ट, तो ये देखें जो सबसे ज्यादा नंबर है तो वो अल्ताफ के हैं, ठीक है, ये पप्पी वाले भाई हैं, तो इनके ये सबसे ज्यादा नंबर है। फिर शहबाज शरीफ है, उनके ये नंबर है, ठीक है, फिर उसके बाद फारूक है, फिर परवेज है, इनके ये नंबर आ गए हैं इस तरह, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरी क्लास के, सारे बड़े मशहूर बच्चे हैं, तो ये इनके नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप इसको कम से ऊपर, मिसाल के तौर पर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करता हूँ ये, तो इसको सॉर्टिंग या फिल्टरिंग जो है वो ये ऑप्शन कहते हैं। ये किस में, एडिट में। इसी तरह फाइंड और सिलेक्ट और रिप्लेस और ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे, ये बटन किसके अंदर है, एडिटिंग के अंदर है। तो अब ये आपके सामने सारी पॉइंट्स खुल के आ गए हैं, आपने ये याद रखना, ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बता दो, ये देखें फॉर्मेट्स थे वो डेसिमल थे, ये सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, सेल के अंदर है इंसर्ट का, डिलीट का, फॉर्मेट का, ये याद रखिएगा। स्टाइल के अंदर कौन कौन से हैं, कंडीशनल स्टाइल है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, सेल टाइप्स हैं। और एडिटिंग के अंदर कौन सा है, सम का है, ऑटो सम का है, फिल का है, क्लियर का है, सॉर्ट एंड फिल्टर का है, और फाइंड एंड सिलेक्ट का है, ये एडिटिंग के अंदर है। तो आपने ये ग्रुप याद रखना है और उसके बीच में बटन याद रखना है, बस और कुछ खास नहीं। इसके बाद आ जाएं पिवट टेबल्स, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास पिवट टेबल है, रिकमेंडेड पिवट टेबल है और टेबल्स हैं। इसको आपने इतना डिटेल से नहीं देखना, बहरहाल फिर भी आपको बता देता हूँ कि पिवट टेबल्स वो होते हैं जो आपके टेबल को जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सिलेक्ट करके पिवट टेबल किया है और इसको मैंने ओके किया है, तो ये मेरा यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी चीज को आपने पिवट टेबल बनाया, तो मैंने क्लास का कहा और नेम का कहा कि इसका मुझे पिवट टेबल बना दे, तो इसने यहाँ पे ये बना दिया। और टोटल का कहा, और क्लास भी मैं सिर्फ 4 का कह देता हूँ वगैरह वगैरह, तो क्लास में मैं सिर्फ किसका कह देता हूँ, 4 का कह देता हूँ। तो ये इस तरह करके जो एक साइड पे उसने बना दिया टेबल और अपनी मर्जी की चीजें लेके आ रहा है, इसको बोलते हैं पिवट टेबल। तो ये थोड़ा सा बहुत डीप स्टडी हो जाएगी, तो बस आपने याद रखना है कि पिवट टेबल क्या होता है, कि खास फील्ड्स को ऊपर एक टेबल में से खास डाटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको पिवट टेबल बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा पिवट टेबल। इसके आगे ऑप्शन है, पिक्चर से पिक्चर लग जाती है, शेप से शेप्स लग जाती हैं, ठीक है, आइकन से आइकन लग जाते हैं। स्मार्ट आर्ट मैंने पहले भी बताया था आपको, एक खूबसूरत सी शेप्स होती है, ठीक है, ये लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। अभी आपसे पूछ सकते हैं कि रिलेशनशिप वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो आपने कह देना स्मार्ट आर्ट में, पायरेमिड वाला ऑप्शन कहाँ पे है, स्मार्ट आर्ट में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये स्क्रीनशॉट है, इसको छोड़ें, चार्ट्स में आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चार्ट्स में मैं बहुत डिटेल से कर चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी का हमने बनाना है चार्ट, तो चार्ट कैसे बनेगा, इधर मैंने किया रिकमेंडेड चार्ट पे गया, या इधर से कोई आ रहा आपको चार्ट नजर आता है तो आप वो चार्ट भी बना सकते हैं। और ये देखें इसने मुझे चार्ट बना के दे दिया है, और ये खूबसूरत सा चार्ट बन गया। इस चार्ट के मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है एमएस वर्ल्ड में किसके एरियाज होते हैं, उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा चार्ट एरिया कहलाता है, बैकग्राउंड मैथ, ये चार्ट टाइटल है, ये इसके क्या है सीरीज है, और ये इसका जो है वर्टिकल एक्सिस कहलाता है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस कहलाता है नीचे वाला, और ये आपका जो है ये लेजेंड कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन याद रखें, मैं रखता हूँ ना माउस तो ये खुद बता भी देता है, ये देखें ये लेजेंड है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है। एक क्वेश्चन आया बता कि बैकग्राउंड वाले हिस्से को क्या कहते हैं, एक आ रहा था प्लॉट एरिया क्या होता है, ये प्लॉट एरिया, ये देखें
जिसके ऊपर ये एक्सिस बनी हुई है इसको प्लॉट एरिया कहते हैं, और सारा का सारा जो होता है वो चार्ट एरिया होता है, उसका चार्ट टाइटल होता है। इस तरह करके आपने याद रखना है, डिटेल में अब नहीं जा रहा मैं। अच्छा जी, उसके बाद ये चार्ट्स आ गए आपके पास। चार्ट्स के बाद ये ऑप्शंस कौन सा है, फिल्टर का ऑप्शन है तो स्लाइसर और टाइमलाइन इसके अंदर है, लिंक्स का ऑप्शन लिंक का अलहदा अलहदा, स्पार्क लाइंस में कौन कौन सी है, विन लॉस है, कॉलम है, लाइन है, डिटेल में नहीं जा रहा। सिंबल कमेंट का ऑप्शन कहाँ पे है जी, इंसर्ट में, याद रखिएगा इंसर्ट में है कमेंट का ऑप्शन। अच्छा टेक्स्ट में ये तीन चार हैं, ये भी याद रखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स में होता है, टेक्स्ट बॉक्स किस में होता है, टेक्स्ट ग्रुप में, हेडर और फुटर एक्सेल में टेक्स्ट ग्रुप में है, वर्ड आर्ट भी टेक्स्ट में है, सिग्नेचर लाइन भी टेक्स्ट में है, ऑब्जेक्ट भी टेक्स्ट में, याद रखिएगा। और सिंबल आपको पता है सिंबल में दो चीजें होती है, सिंबल और इक्वेशन यानी मैथ वगैरह वाली। तो ये हमने देख लिया जी, टेबल्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, पिवट, रिकमेंडेड टेबल्स, इलस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इमेज वगैरह वगैरह जो हमने देखी है, पिक्चर इमेज स्मार्ट आर्ट वगैरह। चार्ट्स के अंदर कौन कौन सी हैं, चार्ट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के चार्ट हैं, बार चार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल चार्ट होता है, ये चार्ट्स को आप देख लीजिएगा। स्पार्क लाइंस में कौन कौन सी लाइंस होती है, लाइन, कॉलम और विन एंड लॉस, ठीक है। और कमेंट का ऑप्शन कहाँ पे है, ये अलहदा है। टेक्स्ट बॉक्स का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट वाला क्या है, टॉक्स बॉक्स, फेडर एंड फूटर, वर्ल्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट, ये किसमें, ये टेक्स्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास हो गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज लेआउट, इसको मैं इधर ही समझा दूंगा, आपको डिटेल नहीं जाना पड़ेगा। इसमें हमारे पास थीम आता है, थीम से मुख्तलिफ रंगों कलर्स के आपके पास खूबसूरत से टेबल बने बनाए आ जाते हैं। मार्जिन में आपने देखा था नैरो था, वाइड था और नॉर्मल था। पेज ओरिएंटेशन में आपके पास दो होती हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे पास, कौन कौन सी होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। साइज में आपको बता दिया था A4, टेबलॉइड, लीगल, A5, ये इस तरह के साइज होते हैं। प्रिंट एरिया क्या होता है, इधर इसके लिए चले जाते हैं एक्सेल पे। प्रिंट एरिया वो एरिया होता है जिसको आपने प्रिंट करना है। तो आपने सेट प्रिंट एरिया से मुराद क्या है कि आपने सेट करना है कि कौन सा ये मेरा पेज, ये मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मैं प्रिंट निकालूँ तो सिर्फ इस हिस्से का है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट प्रिंट एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ब्रेक। तो अगर आप जिस तरह वो पेज ब्रेक था तो वैसे ये ब्रेक है, तो आप ब्रेज पेज के ऊपर ब्रेक भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड ये होता है कि आपको पिक्चर अगर लगाना चाहते हैं तो आप पिक्चर लगा सकते हैं, पूरे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। प्रिंट टाइटल्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक लंबी सी फहरिस्त हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये समझे कि लंबी सी हेडिंग है और मेरे पास एक पेज नहीं है, तीन चार पेज है और मैं चाहता हूँ ये हेडिंग हर पेज पे आए, तो इसके लिए प्रिंट टाइटल्स का है। तो पेज सेटअप में है प्रिंट टाइटल का ऑप्शन, बैकग्राउंड का ऑप्शन, ब्रेक का ऑप्शन, प्रिंट एरिया का, साइज का, ऑरियंटेशन का, मार्जिन का, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केल टू फिट। तो इसके अंदर हमारे पास ये स्केल है और इसको फिट करने के लिए इसके जो ऑप्शन है उसके लिए विड्थ है, ठीक है। आपने कितने पेज दिखाने, मैं कहता हूँ चार पेज मुझे दिखाओ, ठीक है, या मैं कहता हूँ मुझे सात पेज दिखाओ, तो ये इसको बोलते हैं विड्थ। और हाइट कितनी आपने रखनी है, फॉर एग्जांपल मुझे कहता हूँ मुझे छह पेज दिखाओ, तो ये उस लिहाज से आपको हाइट दिखा देगा, ठीक है। और ये स्केलिंग है इसकी, यहाँ से यहाँ, और ये बड़ा कम भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आप राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। ये देखिए अब कॉलम किधर चले गए, इधर उर्दू वाला स्टाइल बन गया, अगर मैं इसको यूं करूं तो ये इंग्लिश वाला स्टाइल बन गया, तो ये शीट को इसके बाद आ जाता है ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन लग जाती है, ठीक है, ये देखें लाइनें खत्म हो गई और इसको व्यू को करूंगी, ग्रिड लाइनें आ गई, तो प्रिंट में भी ये आए, लाइन नजर आए, तो इसके लिए प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हेडिंग आपको नजर आ रही है, ये हेडिंग अगर नजर नहीं आ रही तो ये इसको ऑन ऑफ करनी, ये देखें ये MNO नजर आ रहा है ना, इधर करेंगे तो नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी है जी। तो ये ऑप्शंस हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन और अलाइन वगैरह, ये ऑप्शंस किसके अंदर आते हैं, अरेंज के अंदर आते हैं, इसको भी आप हल्की सी नजर मार लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, अब उधर चलते हैं टैब पे। तो ये हमारे पास आ गए हैं पेज सेटअप में कौन कौन सी चीजें हैं, प्रिंट एरिया है, ब्रेक है, बैकग्राउंड है, प्रिंट टाइटल्स है, ये याद रखिएगा पेज सेटअप के अंदर ये चीजें हैं। अच्छा जी, स्केल टू फिट के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी हैं, शीट ऑप्शन में हमने ये चीजें पढ़ी हैं और अरेंज में हमने ये चीजें पढ़ी हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये दो टैब जो है ना, फार्मूला टैब और डाटा टैब, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसको आपने सिंपल ये देखना है कि फंक्शन लाइब्रेरी में क्या है, फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, कैलकुलेशन में कौन कौन से ऑप्शन है और डिफाइंड नेम्स में कौन, इनके सारे फंक्शन है, बड़े यूजफुल फंक्शन है, बहुत डिटेल में जो है वो
हम चले जाएंगे तो हम उस डिटेल में नहीं जाते, तो बस सिंपल से आपको बता दिया कि इसको सर्जरी से देख लें कि कौन कौन सी चीजें हैं और ये फंक्शन में क्या क्या है। फंक्शन क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। हाँ ये फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, चार फॉर्मूले ये याद रखिएगा, ये इधर इंपॉर्टेंट भी हैं, ये इधर आएंगे ऑटो सम में। ये फॉर्मूले आपने जरूर याद करने हैं। सम से क्या होता है, सारी चीजों को जमा कर देता है। एवरेज से क्या होता है, मीन निकाल लेता है, औसत निकालता है। काउंट नंबर से होता है, टोटल नंबर काउंट करता है कि कितनी है। मैक्सिमम में सबसे बड़ी वैल्यू बताता है, मिनिमम में सबसे छोटी वैल्यू बताता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पांच फंक्शन तो आपने रटने हैं, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा रिसेंटली यूज में, जो रिसेंट यूज हुए हैं फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल से रिलेटेड आ जाते हैं। लॉजिकल में इफ एंड इस तरह के आते हैं, इफ ऑड देन ट्रू फॉल्स, ये लॉजिकल में होते हैं। टेक्स्ट में सादा टेक्स्ट टाइप आ जाता है। डेट और टाइम में डेट्स वगैरह टाइम्स वगैरह आते हैं। लुकअप में आपने किसी चीज को ढूंढना है, उसको लुकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा, एट कॉस थीटा, साइन थीटा, ये वाली चीजें आ जाती है, कॉट थीटा वगैरह, ठीक है। और मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल में आ जाता है एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आप स्टैट में पढ़ते हैं ना, अनोवा, टी टेस्ट, जी टेस्ट, क्वार्टाइल, परसेंटाइल वगैरह वगैरह। इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं, क्यूब रिलेटेड हैं, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड हैं। ये इतना खास इसका आइडिया मुझे भी नहीं है। तो बहरहाल ये सारे फंक्शंस हैं जो बिजनेस टूल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने इसको अच्छे से नहीं देखना, इसको हल्के से देख लेना, ठीक है। ऑटो सम वाले को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें हमारे पास सम है, मिनिमम है, ये जो मैंने आपको पांच बताए, बाकी जो है वो हल्के फुल्के से आप नजर मार लें, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम से इनको नाम मिल जाता है, फॉर्मूले को एक खास, डाटे को एक खास नाम मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेम मैनेजर। क्या बोलते हैं, नेम मैनेजर। और ये फॉर्मूला ऑडिटिंग है और साथ ही कैलकुलेशन है। ऑडिटिंग के लिए आप ऑडिट करते हैं अपना डाटा, और कैलकुलेशन में आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हो, ऑटो कैलकुलेट नहीं करते हो। तो ये बस ऑप्शन हल्का सा देख लीजिएगा। इसी तरह ये डाटा है, गेट ट्रांसफॉर्म में डाटा, इसके अंदर ये ऑप्शन है, मतलब कहीं से डाटा उठा के आप अपने एक्सेल में लेके आना, तो उसे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा बोलते हैं, ठीक है जी। इसी तरह क्वेरीज, उसके अंदर से क्वेश्चन बनाते हैं। और फॉरकास्ट भी इसी तरह बिजनेस टूल है, डाटा टूल भी इसी तरह है, इसको इतना डिटेल से हमने नहीं देखना। सॉर्ट एंड फिल्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंसर्ट में भी, होम में भी गुजर चुका है, ये वही चीज है जो हमने पीछे पढ़ा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा। प्रूफिंग में आपको बता चुका हूँ, ये अब रिव्यू टैब हो गया, अगला टैब स्टार्ट हो गया। स्पेलिंग आ जाते हैं, थिसॉरस आ जाता है, और वर्कबुक स्टेटस आ जाता है। तो वर्कबुक स्टेटस हमें ये बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, ये सारा कुछ बताती है। थिसॉरस आपको पता है कि ये डिक्शनरी होती है, ये आपके वर्ड मीनिंग बताती है आपको, वर्ड का मतलब क्या है, और स्पेलिंग जो कोई गलती चलती है तो वो उसको ठीक कर देता है। कमेंट का ऑप्शन भी रिव्यू के अंदर भी था और होम के अंदर भी है, ये कमेंट वगैरह अगर आपने शो करना है तो वो कमेंट्स वगैरह भी बताता है। हाँ एक चीज थी, मैं वो बता देता हूँ आपको, ये बड़ी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है पास पेपर में। तो ये हमारे पास पेज लेआउट था, इसको पहले व्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इसके अंदर मैंने कमेंट डालना है, तो ये देखिए मैं इधर गया और मैंने इधर जाके कमेंट डाला, गया कमेंट क्या डाला मैंने, इसको कमेंट डाला कि चेंज दिस हेडिंग, चेंज दिस, चेंज, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया, तो अब ये इसके अंदर कमेंट आ गया। अब मैं कमेंट मुझे नजर कैसे आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा, व्हेन यू ब्रिंग योर माउस टू द टिप ऑफ द सेल, अगर मैं इधर लेके आऊंगा, नहीं बता रहा, इधर टिप पे लेके आऊंगा, तो मुझे वो क्या बता देगा कि इसके अंदर मेरा क्या कमेंट है, तो भैया फलां बंदे ने ये कमेंट किया हुआ। तो ये सेल के ऊपर अगर हम रोवर करेंगे अपना पॉइंटर, तो ये बता देगा। इसके बाद ये प्रोटेक्ट का ऑप्शन है, प्रोटेक्ट का ऑप्शन क्या होता है कि भाई अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट करना है, या वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, या उसके अंदर खास रेंज बतानी है कि किस रेंज को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोटेक्ट का बटन है। तो प्रूफिंग, ठीक है, कमेंट्स, और उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट। तो ये ऑप्शन आपने जेन में याद रखना है। अच्छा जी, व्यू पे आते हैं, तो हमारे पास व्यूज जो हैं डिफरेंट होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो डिफरेंट किस्म के व्यू हैं, तो उसमें जो नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू है, उसके बाद पेज ब्रेक व्यू है, उसमें वो बता देगा कि इधर से आपका पेज शुरू हो रहा है, इधर से आपका पेज खत्म हो रहा है, फिर पेज लेआउट व्यू है, और फिर एक कस्टम व्यू है। तो इसके अंदर ये चार व्यू हैं आपने याद रखने हैं, और ये वर्क व्यू व्यू से, वर्कबुक व्यू से ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ग्रिड लाइन अगर आप चाहते हैं, फॉर्मूला बार आप चाहते हैं, हेडिंग आप चाहते हैं, तो वो शो करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते, वो अलग बात है। फिर जूम वाले ऑप्शन में जूम है, 100% है, जूम टू सिलेक्शन, जितनी सिलेक्शन किया उसको जूम कर दे, ये इम्पोर्टेंट है। फ्रीज पैन, ये याद रखिएगा, फ्रीज पैन क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देता हूँ फ्रीज, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ फ्रीज, ये देखिएगा ये फ्रीज कर दिया। अब ये वाला जो कॉलम है ये क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, फ्रीज पैन। अब मैं जितना मर्जी नीचे मूव कर लूँ, ये वाली जो हेडिंग है ना, ये मेरी उधरी रहेगी, ये फ्रीज हो गई है, ठीक है, यहाँ पे फ्रीज
टॉप रोज। तो ये वाले टॉप रो जो है ये फ्रीज रहेगी, बाकी जितना मर्जी मैं नीचे मूव कर लूँ, ये देखें रिजल्ट जो है ये मूव नहीं कर रहा, जो मेरी 1 के बाद 8 है। तो ये लाइन क्या हो गई है, फ्रीज हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्रीज पेन, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहली लाइन जो है वो फ्रीज रहे और वो आप मूव जो है नीचे मूव करें तो वो मूव ना हो, तो इसको फ्रीज पेन बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। और मैक्रोस जो होता है ये ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो VBA लैंग्वेज होती है, वीडियो विजुअल बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा VBA, तो ये लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। और मैक्रोस जो है ये डिवेलपर यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है एक्सेल का जो डिवेलपर यूज करते हैं ताकि डिवेलप कर सकें अपनी मर्जी की इंस्ट्रक्शंस, तो उसके लिए मैक्रोस होता है। और इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती है, VBA लैंग्वेज। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये दो लेक्चर्स के अंदर ये फुल सम अप हो गया होगा और फुल आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब क्या आंसर देख लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, वो जो है MS Excel। विच वन इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, तो उसमें MS Excel आंसर है। डेटाबेस एप्लीकेशन कौन सी है, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट SS है। अलाइनमेंट चॉइस स्प्रेड के लिए, जो पूरे डाटा को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। एड्स इन जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके एक्सेल के अंदर चीजों को, फीचर्स को इनहेंस करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने बताया था बॉड मास से है, तो बॉड मास में पहले डिवीजन आता है, तो पहले डिवीजन को ये हल करेगा, 25 जमा 25 तकसीम 5 को पहले हल करेगा, ठीक है जी। उसके बाद है कि कौन सा वो एरिया होता है जिसके अंदर एक्टिव सेल का नाम शोर होता है, एड्रेस शोर होता है, वो नेम बॉक्स है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बार के साथ होता है नेम बॉक्स, ठीक है जी। हाउ कैन वर्ड बी सेपरेटेड इन अ रेंज, रेंज नेम में वर्ड्स को किस तरह सेपरेट किया जाता है, बाय कॉलन, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है जी। अच्छा, रोज को डाटे में और डाटे को रोज में जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसपोज होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ये मैंने बताया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये नाम है मेरे प्यारे बच्चों के, तो इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको जो है मैं अब ये देखें, ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ये ट्रांसपोज का, ये देखें टी भी लिखा गया, तो ये देखें ये इसने कॉलम को किस में रोज तब्दील कर दिया, रोज में। अब मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, और अब मैं ट्रांसपोज करूंगा, तो ये रोज को किस में तब्दील कर दिया, कॉलम में। तो ये रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में जो करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे ट्रांसपोज कहते हैं। ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपकी ग्रिप बन गई होगी इस चीज में, और तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, और जो पावर पॉइंट का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने चैनल के ऊपर कर देना है क्लिक, तो आपको भाईजान सब्सक्रिप्शन हो जाएगी मेरी। तो दैट्स इट, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।